देश में 52 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे ज्यादा टाइगर एमपी, कर्नाटक, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। लेकिन अक्सर हम खबरों में देखते हैं कि टाइगर के हमले में किसी की जान चली गई या कोई घायल हो गया। तो क्या सभी टाइगर आदमखोर होते हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर पिछले दिनों एक फिल्म शेरदिल रिलीज हुई। मझे हुए एक्टर पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में हैं। वह एक ऐसे मुखिया का किरदार निभा रहे हैं जो अपने गांव वालों की भुखमरी लाचारी से इतना बेबस हो चुका है कि अपनी जान की बाजी लगा देता है। जंगल के पास रहने के कारण जंगली जानवर उनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं। मदद की गुहार लगाते लगाते मुखिया गंगाराम सरकारी सिस्टम से परेशान हो जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि इंसानों और जानवरों का संघर्ष कितना बढ़ गया है। एक दिन उसकी नज़र एक नोटिस बोर्ड पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि जंगल के पास रहने वाले किसी शख्स की मौत बाघ के हमले में होती है तो सरकार परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद देगी। गंगाराम कैंसर का बहाना बनाकर जंगल में शहीद होने के लिए निकल पड़ता। टाइगर तो नहीं मिलता है, लेकिन एक शिकारी से मुलाकात होती है। उसके साथ डील होती है कि पहले वह टाइगर को गंगाराम पर अटैक करने देगा और फिर गोली चलाएगा। जब गंगाराम टाइगर के सामने खड़ा होता है, लेकिन वह उस पर हमला नहीं करता है। पीछे से शिकारी उसे बताता है कि यह बाघ नरभक्षी नहीं है। दोस्तों, स्वाभाविक रूप से बाघ आदमखोर नहीं होते हैं। रणथंभौर में रेंजर्स को जंगल में पैदल पेट्रोलिंग करते देखा गया है। उनके पास कोई हथियार भी नहीं होते हैं। जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि टाइगर मिलते हैं तो वे अपने रास्ते चले जाते हैं, उन्हें कैट से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ इसी तरह का दृश्य फिल्म में भी दिखाया गया है। दरअसल एक टाइगर एक बार में औसतन 45 किलोग्राम मीट खाता है। आमतौर पर टाइगर इंसानों पर हमला करने से बचते हैं। वे इंसानों को अपना भोजन नहीं समझते हैं। इंसानों का औसत वजन 70 किलोग्राम होता है और मांस की क्वालिटी भी टाइगर को नहीं भाती है। ऐसे में इंसान टाइगर की टारगेट लिस्ट में नहीं होते हैं। दोस्तों, समस्या तब शुरू होती है जब टाइगर या बाघ बूढ़ा हो जाता है और दूसरे जानवरों के साथ लड़ाई में या किसी अन्य कारण से घायल हो जाता है। बूढ़े होने के कारण उसके दांत घिस जाते हैं या गिर जाते हैं। इसके अलावा हिरण या दूसरे जानवर का शिकार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इस दशा में टाइगर को लगता है कि इंसान उसके लिए सबसे आसान शिकार है, क्योंकि वह आसानी से बिना ज्यादा भगाए हमला कर सकता है। जंगल घटते जा रहे हैं, जंगली जानवरों के लिए उनका ठिकाना असुरक्षित होता जा रहा है और वे रिहायशी इलाकों की तरफ भाग रहे हैं। दोस्तों, टाइगर के मुंह एक बार इंसान का खून लगने के बाद वह मैन ईटर यानी नरभक्षी बन जाता है। ऐसे में उनके हमले भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इंसानों के जान के दुश्मन क्यों बन जाते हैं बाघ? एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बाघों की कुल संख्या 3000 से कम है। ये विश्व की संख्या का लगभग 70% से अधिक है। राजस्थान में रणथंभौर, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ और उत्तराखंड में कार्बेट का जिक्र करते हुए सबका मानना है कि आमतौर पर टाइगर इंसानों से बचते हैं। वे कोशिश करते हैं कि इंसान उन्हें देख न सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।